एंटी वेनम की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू 569 में, जो कि रिलीज हुई थी अक्टूबर 2008 को। तो इस स्टोरी लाइन में एडी ब्रॉक वेनम से पूरी तरह से अलग हो चुका था एंड उसे कैंसर की बीमारी थी एंड इससे भी ऊपर उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए हुए थे कैसे उसने तबाही मचाई है। लेकिन इस परेशानी को दूर करता है मैट मडॉक यानी कि डेयर डेविल एंड मैट मडॉक कोर्ट में यह साबित कर देता है कि जो तबाही मची है वो वेनम की वजह से है ना कि एडी ब्रॉक की वजह से, जिसके बाद एडी ब्रॉक के ऊपर लगे सभी चार्जेस हटा दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी ब्रॉक को नौकरी पे नहीं रखता, तो उसकी यह परेशानी दूर करता है मार्टिन ली नाम का एक बंदा जो कि सीक्रेटली द मिस्टर नेगेटिव सुपर विलन भी है। और अगर आप मिस्टर नेगेटिव की अर्जिन जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बैक टू द स्टोरी, तो मार्टिन ली ने एक द फीस्ट होमलेस शेल्टर बनाया होता है जहां पर वो ऐसे ही हेल्पलेस लोगों की हेल्प करता है एंड फिर मार्टिन ली एडी ब्रॉक को अपने होटल में एक वेटर की जॉब देता है, जिसे देखकर एडी ब्रॉक बहुत ज्यादा खुश होता है एंड वो रो पड़ता है। एंड यही पर स्पाइडरमैन की आर्ट में भी वॉलंटियर होती है जो कि लोगों की हेल्प करती है। एंड इसके बाद जब मार्टिन ली एडी ब्रॉक को टच करता है तो उसकी मिस्टर नेगेटिव की पावर्स की वजह से एडी ब्रॉक के बॉडी के अंदर बचा हुआ वेनम सिम्बियट का पार्टिकल एक्टिवेट हो जाता है एंड वेनम का वो पार्ट एडी ब्रॉक के व्हाइट सेल के साथ बॉन्ड कर लेता है। एंड उसके बाद उस होटल में आता है वेनम एंड उस वक्त वेनम का होस्ट था मैक गार्गन जो कि स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा विलन द स्कॉर्पियन है। एंड मैक गार्गन यहाँ पर स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए आता है, लेकिन उसे यहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं बल्कि ब्रॉक दिख जाता है। तो क्योंकि ब्रॉक वेनम का होस्ट रह चुका है तो इसलिए वेनम ब्रॉक के पास जाता है एंड वापस से ब्रॉक के साथ वो बॉन्ड करने की कोशिश करता है, बट इस कोशिश को नाकाम करता है एंटी वेनम। तो एंटी वेनम वेनम को एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड करने से रोकता है एंड बहुत ही जोर से वेनम को पंच मारता है जिससे वेनम बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड इसके बाद एंटी वेनम खुद को सबके सामने रिवील करता है पूरी तरह से सामने आकर एंड कहता है आई एम एंटी वेनम। एंड इसके बाद एंटी वेनम एंड वेनम के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है। बट एंटी वेनम एंड वेनम दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को एक पंच मारते हैं जिससे स्पाइडरमैन काफी दूर जाकर गिरता है। एंड इसके बाद एंटी वेनम एंड वेनम के बीच फाइट शुरू हो जाती है एंड एंटी वेनम को आप एक तरफ से एक क्यूर बोल सकते हैं हर डिजीज का, क्योंकि वो एडी ब्रॉक के व्हाइट सेल्स के साथ बॉन्ड होकर बना था। तो वो मैक गार्गन को पकड़कर उसे क्यूर कर देता है एंड वेनम को उसकी बॉडी से पूरी तरह से डिटैच कर देता है। एंड एंटी वेनम ऑलमोस्ट वेनम एंड मैक गार्गन को मारने वाला होता है कि स्पाइडरमैन दोबारा से वहां जाता है एंड एंटी वेनम स्पाइडरमैन को बताता है कि वो जस्ट बीमारी को ठीक कर रहा है। एंड इसके बाद वो स्पाइडरमैन को पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर भी वेनम के पार्ट को सेंस कर सकता हूं, क्योंकि कभी स्पाइडरमैन भी वेनम का होस्ट था तो इसलिए स्पाइडरमैन के अंदर भी कुछ वेनम के पार्टिकल्स थे। बट एंटी वेनम उनको क्यूर कर देता है, बट क्यूर करने के कारण स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा वीक फील करता है एंड एंटी वेनम स्पाइडरमैन को पूरी तरह से क्यूर कर देता है। एंड तभी वहां पर आ जाते हैं थंडरबोल्ट्स, जो कि आते ही मैक गार्गन को उठाकर शिप में ले जाने लगते हैं। बट एंटी वेनम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट वो एंटी वेनम के ऊपर सोनिक बूम के साथ अटैक करते हैं, बट सोनिक बूम एंटी वेनम का कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि वो इन सबसे इम्यून था। एंड इसके बाद एंटी वेनम थंडरबोल्ट्स के एक मेंबर के ऊपर अटैक करता है, बट वो किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न उन्हें ऑर्डर देता है कि वो मैक गार्गन को वापस लेकर आए। एंड मैक गार्गन के वापस आते ही नॉर्मन ऑसबॉर्न मैक गार्गन की बॉडी में से एंटी वेनम के पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है एंड उनसे एक नया सीरम तैयार करता है जिसे वो मैक गार्गन की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण मैक गार्गन एंड वेनम दोनों उसी वक्त क्यूर हो जाते हैं एंड पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड इस तरह जन्म होता है द ब्रांड न्यू स्कॉर्पियन का, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर एंड फास्ट था। एंड इसके कुछ मूवमेंट्स के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एंड एंटी वेनम दोनों एज ए टीम काम कर रहे थे एंड कुछ बातचीत कर रहे थे कि तभी वहां पर आता है स्कॉर्पियन, जो कि आते ही एंटी वेनम के ऊपर अटैक करता है। बट एंटी वेनम उसे डॉच करता है और उसके साथ फाइट करता है, लेकिन स्कॉर्पियन काफी ज्यादा फास्ट था तो इसलिए वो अपनी टेल के जरिए उस एंटी वेनम के अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि एंटी वेनम खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद एंटी वेनम पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है एंड एडी सोचता है कि एंटी वेनम मर चुका है। एंड इसके बाद स्कॉर्पियन एडी को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वेनम उसे ऐसा करने से रोक लेता है एंड उसे एडी को मारने नहीं देता। एंड स्कॉर्पियन एडी को कहता है कि तुमने वेनम के साथ इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वो तुम्हें मारने नहीं देना चाहता। और इसके बाद एडी वापस से मार्टिन ली की होमलेस शेल्टर में जाता है एंड तभी हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं एंटी वेनम का एंड हमें पता चलता है कि एंटी वेनम मरा नहीं है, वो अभी भी एडी के अंदर जिंदा है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद एंटी वेनम अच्छे काम करता है एंड लोगों की हेल्प करता है, लेकिन इसी दौरान उसे पता चलता है कि मार्टिन ली ही मिस्टर नेगेटिव है। एंड ये पता लगने के बाद एडी ब्रॉक को बहुत ज्यादा झटका लगता है, क्योंकि वो उसे अपना आइडल मानता था एंड वो सोच भी नहीं सकता था कि मार्टिन ली एक इतना बड़ा सुपर विलन द मिस्टर नेगेटिव हो सकता है। एंड इसी दौरान एंटी वेनम कई सारे बुरे लोगों का सफाया करता है एंड इसके बाद वो पनिशर के साथ टीम अप करके अपने एक दोस्त को भी बचाता है एंड कई सारे ड्रग डीलर्स को भी ठिकाने लगाता है। एंड एक दिन एडी ब्रॉक मार्टिन ली को एक लड़की की हेल्प करते हुए देखता है
एंड मार्टिली को ऐसा करते देखते ही एडी ब्रॉक को बहुत गुस्सा आता है एंड वो एंटी वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता था कि वो एक विलन है लेकिन लोगों के सामने वो कैसे अच्छा बनके दिखावा करता है। एंड इसके बाद वो मार्टिली की गाड़ी के ऊपर कूदकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है एंड स्पाइडरमैन को नहीं पता होता कि मार्टिली ही मिस्टर नेगेटिव है, इसलिए वो मार्टिली को बचा रहा था। लेकिन एंटी वेनम उसे बताता है कि वो एक बुरा इंसान है और उसे मरना होगा, लेकिन स्पाइडरमैन उसकी बात नहीं सुनता और वो फाइट करते रहते हैं। और इसी दौरान मार्टिली वहां से भाग जाता है और फिर एंटी वेनम स्पाइडरमैन को ऊपर छत पे ले जाकर बांध कर उसे सारा किस्सा बताता है कि मिस्टर नेगेटिव ही मार्टिन ली है। तो स्पाइडरमैन ये सुनने के बाद कहता है कि हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाएंगे और उसे जेल में डालेंगे। और इसके बाद एंटी वेनम एंड स्पाइडरमैन टीम अप करके मार्टिन ली के ऑफिस में यानी कि मिस्टर नेगेटिव के ऑफिस में घुसते हैं एंड इसी दौरान मिस्टर नेगेटिव अपनी नेगेटिव स्वॉर्ड के साथ एंटी वेनम के ऊपर अटैक करता है, बट एंटी वेनम अपने आप को हील कर लेता है एंड स्पाइडरमैन एंड एंटी वेनम मिलकर मिस्टर नेगेटिव को हरा देते हैं एंड पूरी दुनिया के सामने उनकी सच्चाई ला देते हैं कि मिस्टर नेगेटिव ही मार्टिन ली है। तो ये देखने के बाद जे जोना जेम्सन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने आज इस बंदे के साथ फोटो खिंचवाई थी यार, और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि कोई बात नहीं, आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और इस पे जे जोना जेम्सन कहता है कि ऑफ कोर्स ब्लेम करूंगा मैं स्पाइडरमैन को। एंड इधर आर्ट में भी जब ये न्यूज़ देखती है कि मार्टिन ली ही मिस्टर नेगेटिव है तो उन्हें भी अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो उसी के होम शेल्टर की एक वॉलंटियर थी एंड उसे एक बहुत अच्छा इंसान मानती थी। एंड इसके कुछ टाइम के बाद एंटी वेनम मिस्टर फैंटास्टिक के साथ भी टीम अप करता है जब न्यूयॉर्क सिटी में एक अननोन वायरस फैल जाता है जिसके कारण सभी न्यूयॉर्क के लोगों के अंदर स्पाइडरमैन की एबिलिटीज आ जाती है। तो बहुत सारे लोग इस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उन सबको क्योर करने के लिए एंटी वेनम सामने आता है एंड एंटी वेनम न्यूयॉर्क के उन सभी लोगों को क्योर भी कर देता है, लेकिन इस काम में एंटी वेनम खुद को सेक्रीफाइस भी कर देता है एंड वो एक हीरो की मौत मरता है एंड यही पर एंटी वेनम की स्टोरी खत्म हो जाती है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, पर कहीं मत जाएगा। और अगले किस सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की ओरिजिन आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करना और मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा डेली व्लॉगिंग चैनल भी है, यहाँ पर मैं डेली व्लॉग अपलोड करता हूँ, तो आप लोग मुझे चाहे तो वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं आपको मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।